हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आखिर महिलाओं में क्यों होता है थायराइड होने का ज़्यादा खतरा। फ्रेंड्स, थायराइड की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड होने की आशंका 9 गुना अधिक होती है। थायराइड 2 तरह का होता है, पहला हाइपोथायराइड और दूसरा हाइपरथायराइड। महिला ज़्यादातर हाइपोथायराइड की शिकार होती है, इसीलिए पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हाइपो में थायराइड ग्लैंड सक्रिय नहीं होता, जिससे शरीर में T3 एंड T4 हार्मोन्स नहीं पहुंच पाता है, जिससे वजन अचानक से बढ़ जाता है, शरीर में सुस्ती महसूस होती है, इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, कब्ज की हमेशा शिकायत रहती है, चेहरे और आँखों के नीचे सूजन आ जाती है। फ्रेंड्स, मोनोपॉज और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को थायराइड होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं। साथ ही बढ़ती उम्र, कार्बोहाइड्रेट न लेने से, ज्यादा नमक या फिर सी फूड खाना और हाइशिमोटो रोग से ग्रस्त महिलाओं को इसका खतरा अधिक होता है। साथ ही शरीर में आयोडीन और विटामिन B12 की कमी के कारण भी इसका खतरा काफी ज्यादा महिलाओं में बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से भी कई महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सी चीजें खानी हैं, कौन सी चीजें नहीं खानी हैं और कौन सी वो 4 घरेलू चीजें हैं जो आप लोगों ने इस बीमारी में खानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को थायराइड में क्या खाना है। थायराइड पेशेंट डाइट में नट्स, सेब, सिस्ट फूड्स, दाल, कद्दू के बीज, दही, संतरे का रस, आयोडीन युक्त चीजें, नारियल तेल, अदरक, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ऑलिव ऑयल, लेमन, हर्बल और ग्रीन टी, अखरोट, जामुन, स्ट्रॉबेरी, गाजर, हरी मिर्च, बादाम, अलसी के बीज, शहद आदि ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या नहीं खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों को सोया प्रोडक्ट, रेड मीट, पैकेज फ्रूट, बेकरी आइटम, जंक फ्रूट, मूंगफली, बाजरा, नाशपाती, फूल गोभी, शलगम, पास्ता, मैगी, वाइट ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, कैफीन और ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का थायराइड काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थायराइड में खाना है और कौन सी चीज़ आप लोगों को नहीं खाना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को वो 4 ऐसे घरेलू नुस्खे बताती हूँ जिन्हें आप लोगों ने रोज़ाना फॉलो करना है, और अगर आप लोग इन्हें रोज़ाना फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप लोगों का थायराइड काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला घरेलू नुस्खा जो आप लोगों ने अपनाना है वो है हल्दी वाला दूध। आप लोगों ने रोजाना हल्दी वाला दूध पीना है, इससे थायराइड कंट्रोल में रहता है। अगर आप हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहती हैं तो आप लोग हल्दी को भून कर भी खा सकती हैं, इसमें भी थायराइड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है प्याज से मसाज। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्याज। इसके लिए प्याज को आप लोगों ने 2 हिस्सों में काट लेना है और सोने से पहले थायराइड ग्लैंड के आसपास क्लॉकवाइज मसाज करना है। मसाज के बाद आप लोगों ने गर्दन को धोने की बजाय रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और कुछ दिन लगातार ऐसे ही करने से आपको इसके नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। वहीं तीसरी चीज़ जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है आयुर्वेदिक पत्तों का सेवन। रोजाना सुबह खाली पेट आप लोगों ने शीशम, नीम, तुलसी, एलोवेरा और गिलोय के 5-6 पत्ते चबाने हैं। इससे खून की कोई खराबी नहीं होती है, साथ ही इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा इन आयुर्वेदिक पत्तों का सेवन करने से हम लोग और भी काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं चौथी चीज जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है हरा धनिया। थायराइड का घरेलू इलाज करने के लिए हरा धनिया को पीस कर उसकी चटनी बना लें। इसे 1 गिलास पानी में घोलकर रोजाना पीने से थायराइड कंट्रोल में रहेगा। आप चाहें तो धनिया की चटनी का सेवन भी कर सकती हैं।
इससे भी आप लोगों का थायराइड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वो चार घरेलू नुस्खे जिन्हें आप लोगों ने थायराइड के प्रॉब्लम में खाना है, और साथ में मैंने जो आप लोगों को बताया है कि थायराइड में आप लोग क्या खाएं क्या ना खाएं और महिलाओं को थायराइड क्यों होता है। सो आई होप आप लोगों को मेरी बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज, आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।